بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my dear students, I hope all of you would be fine by the grace of almighty Allah। मेरा ख़्याल है कि हम सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। और उसके बाद दुआ के बाद चंद लम्हात के बाद इंशाल्लाह मैं आपसे आपके असाइनमेंट के बारे में बात करूंगा कि आपके असाइनमेंट में पोजीशन क्या है। अभी हैंडेड इन हो रहा है, लोग इस वक्त हैंडेड इन कर रहे हैं। आलियान गौरी साहब क्लास में हैं, हैंड रेस कर लें। आलियान इम्तियाज़ साहब हैंड रेस कर लें। आतिफ करीम, हसन रहीम, कमेशा, लकी, मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद मुस्तफ़ा, ज़याम, सानिया, सितारा, इफ्तिखार, मोहम्मद मुश्तबा, ज़ैफ, जितने लोगों के नाम लिए हैं यकीनन आप सबको आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है। कमेशा, मुदस्सर, सानिया, इफ्तिखार, ज़ैफ, आमना और क्या बोले हम आपको, आपका नाम नहीं लिया मैंने। शायान साहब आपका नाम इसलिए नहीं लिया ना कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, आपने कॉपी पेस्ट करके जल्दी से हैंडेड इन कर दिया ना, लेकिन लेट तो हुआ है, हैंडेड इन है ना। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आप इस तरह मुझे धोखा दे सकते हैं तो चलें ठीक है, जब तक आप खुश हो सकते हैं हो लें, ऐसा ना हो कि बाद में आप अफसोस करें कि यार मैं तो अपने आप को धोखा दे रहा था, सर इमरान को थोड़ी दे रहा था। जी चेक कर लेना, आपको लिखा नज़र आ रहा होगा ना, आपने असाइनमेंट सबमिट ऑन टाइम किया या लेट किया, वहाँ लिखा आ रहा होगा, लिखा आता है, जाके चेक कर लें, मसला थोड़ी है। बहरहाल जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि आप ना पढ़ के अपना अपने पेरेंट्स का नुकसान करते हैं, उस दिन से आप पढ़ना शुरू कर देंगे, या उस दिन से आप अपने आप को या अपने टीचर को बेवकूफ़ नहीं समझेंगे या बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। बहरहाल कमशा आप रिप्लाई करके बताइए मैसेज पे ही कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। मुदस्सिर साहब काम क्यों नहीं किया हुआ। सानिया काम क्यों नहीं किया हुआ। इफ्तिखार साहब आपने भी काम नहीं किया। ज़ैफ ने भी काम नहीं किया। आमना ने भी काम नहीं किया, या आमना ने वैसे ही हैंड रेस किया हुआ है। आमना अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप मैसेज पे लिख के भेजें, या फिर मैं आपको अनम्यूट करने को कहूँगा तो आप कर लीजिएगा, बट आपने हैंड रेस क्यों किया हुआ है मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। आलियान गौरी साहब लिख के भेजें आपने काम क्यों नहीं किया हुआ। सर पूरी पूरी कहानियाँ लिखने को थोड़ी बोला था मैंने, वन लाइन स्टेटमेंट कहा था, आप लोगों ने तो पूरी पूरी चीज़ें छाप दी उठा के। बहरहाल चलें, जिन लोगों ने हैंडल इन नहीं किया है ये सब उनके नाम पे डन लेट के साथ भी जमा हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि आपने बाद में असाइनमेंट कर लिया तो ठीक है,
अब अगर आप बाद में भी असाइनमेंट कर रहे हैं तो बेटा वो डन लेट हो रहा है, ये चेक कर लें, लिखा हुआ आ रहा है बाद में, आप सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है बेसिकली। अब बाकी आपकी मर्जी है, मैं बींग अ क्लास टीचर आपके साथ सिंसेरिटी शो कर रहा हूँ, और क्लास टीचर नहीं भी होता तो भी मैं आपके साथ ऐसे ही सिंसेरिटी शो करते हुए आपको बताता कि भाई आप लोगों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब आप इसको अहमियत नहीं देंगे और खुदा ना खास्ता मुश्किल में जब आएंगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। मुदस्सिर साहब आपका रिप्लाई नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सानिया आपका भी रिप्लाई नहीं आया, इफ्तिखार साहब का भी रिप्लाई नहीं आया, जैफ का भी रिप्लाई नहीं आया, और आमना है क्लास में? आमना जहरी आप हैं क्लास में बेटा? यस सर, थोड़ी लिखना है इफ्तिखार साहब, मुझे बताना है कि आप जो है असाइनमेंट क्यों नहीं हुआ। आमना आपने हैंड रेस क्यों किया हुआ बेटा? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? या आपने काम नहीं किया हुआ? तो बेटा मेरा बच्चा आपने हैंड रेस क्यों किया हुआ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आमना आपसे। जी आलियान साहब आप हमें सुन सकते हैं? तो भाई आप रिप्लाई करके बताएंगे कि आपने काम क्यों नहीं किया है? बस ये आपने अच्छा सा रिप्लाई कर दिया, सारी बलाओं का हल है ना बेटा। अगर आप पढ़ाई से सीरियस नहीं होंगे तो यकीन करें आप लोग इस मुश्किल वक्त में अपने पेरेंट्स को क्यों टफ टाइम दे रहे हैं? आपको पता है कि किस तरह की पोजीशन है, क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, और अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर कितनी बुरी बात है। टीचर्स का काम समझाना होता है, माँ बाप का काम समझाना होता है, हम सब आपको गाइड करते हैं, आपके मुखलिस होते हैं, लेकिन आप अगर नहीं सुनेंगे हमारी बात तो आप हमारी जात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप अपना रिजल्ट खराब करेंगे और क्या होगा। अगर हम अपनी करने पे आए तो फिर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स आपके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम कहते हैं नहीं बच्चे हैं, इनको समझाओ, इनको सिखाओ। सर बच्चों हमने लास्ट क्लास में कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था, जल्दी से बताएं, शाबाश लिखकर स्क्रीन पर। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में लास्ट पॉइंट कौन सा डिस्कस किया था? अल्लाह अकबर। ओके अलीना, थैंक यू सो मच। ट्रेड पेबल से बात को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि मुझे याद पड़ता है, अच्छा चले याद क्या पड़ता है, अभी बोलता हूँ, अगले वर्ड से शुरू करता हूँ। अच्छा जी, अगर मैं गलत ना हूँ तो मुश्तबा साहब स्टिल एब्सेंट हैं, मलिक की एप्लीकेशन आई हुई है, और जो लोग एब्सेंट हैं उनके नाम मुझे देखने पड़ेंगे। तो सही है जी, आप लोग हैंड डाउन कर लें, शुक्रिया। कमेशा, सानिया, इफ्तिखार, जैफ, आलियान हैंड डाउन कर लीजिए, थैंक यू, ताकि अब अगर किसी के पास क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेस कर सके। इफ्तिखार हैंड डाउन कर दीजिए, थैंक यू। अच्छा जी, बच्चों अगर आप कहते हैं मैंने आपको क्रेडिट परचेज तक समझाया था, क्रेडिट परचेज तक डिफाइन किया है चीज़ों को, तो मैं वहीं से आगे बढ़ लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। कैश और क्रेडिट परचेज अगर आप समझ चुके हैं तो जब व्हेन अ बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑन अ प्रॉमिस बाय मेकिंग अ कमिटमेंट टू पे इन नियर फ्यूचर, दैट कमिटमेंट दैट प्रॉमिस इज कॉल्ड ट्रेड पेएबल।
बेसिकली ट्रेड पेबल आसान उर्दू में क्या है बच्चों? ट्रेड पेबल इज आ वर्बल, ट्रेड पेबल इज आ ओरल, कही भी बात, जुबानी बात, कमिटमेंट, वादा, प्रॉमिस, किस बात का? पैसे अदा करने का। ठीक है इफ्तिखार साहब, हो गया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो प्यारे बच्चों, ट्रेड पेबल क्या है? याद रहेगा कि जब हम किसी से परचेज करते हैं ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, उधार पर माल सामान खरीदते हैं, तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पैसे अदा करेंगे। ये जो प्रॉमिस है, ये जो कमिटमेंट है, दैट वी विल पे यू इन नियर फ्यूचर, दिस प्रॉमिस इज कॉल्ड ट्रेड पेबल, राइट? शुड आई मूव फॉरवर्ड? आर यू विथ मी? ओके बच्चों, थैंक यू। तो नेक्स्ट जो अकाउंट लिखा नजर आ रहा है हमें, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो लिखी नजर आ रही है, दैट इज परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। क्या है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस? बहुत इत्मीनान से सुनिए, बल्कि साथ दीजिए मेरा। आलिया, आप फ्राइडे की क्लास में थी हमारे साथ? शुक्रिया आप बताने के लिए, बिल्कुल आप थी। जरा परचेजेस को डिफाइन कर दें अनम्यूट करके बेटा, जल्दी से, शाबाश। प्लीज परचेजेस को डिफाइन कर दें अनम्यूट करके, कम ऑन फास्ट। यस सर, मैं ऑडिबल? वालेकुम सलाम। आपकी आवाज बेटा बहुत स्लो, बिल्कुल ना होने के बराबर आ रही। थोड़ा सा माइक को क्लोज करें, आवाज बढ़ाएं, देखें आप सही सर? जी। मैं तो सुन सकता हूँ, मतलब बेहतर है, अल्लाह करे बाकी लोगों को भी आवाज आ रही हो, वरना मैं आपकी बात रिपीट कर दूंगा। जी कहिए प्लीज। सर, परचेजेज वो होते हैं जब हम कोई गुड्स को खरीदते हैं या कोई मर्चेंडाइज ऐसी हो जिसको हम खरीदें। बिल्कुल सही, यानी मर्चेंडाइज के खरीदने के लिए वर्ड परचेजेस यूज होगा अकाउंटिंग में, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब वही मर्चेंडाइज जिन्हें खरीदा है, अगर उसमें कुछ डिफेक्टिव हो आलिया, जी उसमें कुछ सब स्टैंडर्ड हो, तो जी फिर क्या करेंगे बेटा उस सामान को? सर, रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इसका मतलब है व्हेन वी बाय, व्हेन वी परचेज गुड्स मर्चेंडाइज, वी कॉल इट परचेजेस इन अकाउंटिंग। एंड व्हेन वी रिटर्न द डिफेक्टिव गुड्स टू द सप्लायर, इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस एंड अलाउंसेस। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं या पूछते हैं, सर व्हाट इज अलाउंसेस? तो बेसिकली जब हम सामान को वापस करते हैं, तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है ना। अगर हमने सप्लायर से ऑन क्रेडिट सामान खरीदा है, तो जब हम उसे सामान वापस करेंगे, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, अब आप हमें अलाउंस दीजिए, हमारे वो पैसे हमें छोड़ दीजिए जितने का सामान हमने आपको वापस कर दिया। एग्जैक्टली शायान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बताने का। बिल्कुल, अभी इंशाल्लाह जब मैं आगे जाऊंगा फॉर्मेट में, तो मैं आपको जरूर लिखा हुआ दिखाऊंगा कि परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। सही है इंशाल्लाह, फिर आप एक्नॉलेज करिएगा उस वक्त, आप भी एक्नॉलेज करेंगे और बाकी लोग भी कहेंगे हाँ सर, शायान ने भी बताया था और सर ने एक्नॉलेज किया था उस वक्त शायान की बात को। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, आई होप कि आपको याद रहेगा कि जब आप मर्चेंडाइज खरीदें, तो मर्चेंडाइज के खरीदने को परचेजेस और मर्चेंडाइज ही के वापस करने को। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप कोई और चीज वापस कर रहे हैं खरीद कर, तो उसके लिए परचेज रिटर्न का वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि परचेज अब स्पेसिफिक हो चुका है। परचेज विल बी यूज ओनली व्हेन यू विल बाय गुड्स मर्चेंडाइज, तो परचेजेस की टर्मिनोलॉजी अब स्पेसिफिक हो गई। तो परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस की टर्मिनोलॉजी भी स्पेसिफिक है, वो हर तरह की सामान को वापस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। परचेज रिटर्न टर्मिनोलॉजी विल यूज ओनली व्हेन यू विल रिटर्न द मर्चेंडाइज, आइदर यू परचेज इट ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। तो आई होप ये बात समझ में आती है। और हम इसके लिए पूरा नाम क्या यूज करते हैं? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। अलाउंसेस के बहुत सारे मायने हैं, बेतहाशा मायने हैं, अगर आप गूगल पे लिख के सर्च करेंगे तो आपका दिमाग भी घूम सकता है, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं अलाउंसेस का मतलब है छूट, यानी झूठ नहीं, छूट।
यानी जब हमने सामान वापस किया तो सामने वाले ने हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट अमाउंट अलाउ कर दी, ठीक है, कि भाई आपने इतने रुपए देने नहीं है। तो आसान लफ्जों में ये अलाउंस है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ता हूँ, अगला नाम है सेल। चलिए, सेल का वर्ड सुनते ही दिमाग में आता है साइंस के स्टूडेंट के, क्या बेचना? कुछ भी। सही है, ऐसा ही है ना? ये कुछ और आता है दिमाग में, अगर आता है तो प्लीज शेयर करें। व्हेन द वर्ड सेल्स कम्स, हमारे दिमाग में फौरन इंडिकेशन क्या आती है कि सेल माने बेचना, कुछ भी बेचना, मोबाइल बेच दो, अपनी गाड़ी बेच दो, अपना घर बेच दो, कोई भी चीज बेच दो, तो उसको बेचने को सेल कहते हैं। बट इन अकाउंटिंग वी यूज वर्ड सेल्स, द टर्म सेल्स, ओनली व्हेन वी सेल गुड्स और मर्चेंडाइज और सर्विसेज। लेकिन सर्विसेज के लिए ताबिश सेल्स का वर्ड यूज नहीं होता। सर्विसेज के लिए मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह की सर्विसेज होंगी उस तरह का वर्ड यूज करेंगे। लाइक अगर हम कमीशन बेस्ड काम करते हैं तो कमीशन इनकम कहलाएगा, वो सेल नहीं कहलाएगा, राइट? अगर हम पढ़ाते हैं तो स्कूल फी इनकम, ट्यूशन फी इनकम, सही है। तो इसी तरह अगर हम प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं तो रेंट इनकम, राइट? अगर हम लोगों को सर्विसेज देते हैं इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशन रिपेयर, कंप्यूटर रिपेयर, तो रिपेयर इनकम, सही है, उसे सेल्स नहीं कहा जाता मेरा बेटा। तो इसका मतलब है वर्ड सेल्स इज यूज ओनली व्हेन अ बिजनेस सेल मर्चेंडाइज, व्हेन अ बिजनेस सेल गुड्स, तो बस उसके लिए सेल्स स्पेसिफिक हो गया। क्या आप सब मेरे साथ हैं? आप सबको क्लियर है ये बात? इज देयर एनी कंफ्यूजन? अब्दुल हाद, आपको मेरी बात समझ आ गई? इनकम फ्रॉम रेंट, आपने कहा ताबिश, वो रेंट इनकम है, सिंपल, उसे सेल्स नहीं कहते। बस होती वो भी इनकम है, सेल्स भी इनकम है। अभी मैं इस पर आऊंगा ना इंशाल्लाह, अभी तो मैं टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, राइट? अच्छा जी, शुक्रिया आप सब लोगों के यस सर लिखने का, लेकिन याद है यस सर अभी अटेंडेंस के लिए काउंट नहीं हो रहा, सही है। अच्छा जी, अलियान इम्तियाज साहब ने भी, अलन इम्तियाज आपने थोड़ा देर से ज्वाइन किया क्लास को, है ना? ब्रेक पे चले गए होंगे आप, फर्स्ट यूनिट में बहुत पढ़ लिया होगा, थक गए होंगे, बोला चलो भाई रेस्ट करना चाहिए। आतिफ करीम साहब, असाइनमेंट कौन करेगा? दानियाल साहब, सर पहली क्लास लिया आप दोनों ने, कोई बात नहीं, आप उस क्लास में एबसेंट होंगे, मसला थोड़ी है जी। आतिफ करीम साहब ने तो मेरे ख्याल रिप्लाई कर दिया, नहीं किया? आतिफ करीम है क्लास में? दानियाल साहब आप क्लास में हैं सर? सर रिप्लाई करें जरा जल्दी से, क्या स्टेटस है आप लोगों का होमवर्क का, असाइनमेंट का? आतिफ करीम साहब असाइनमेंट कर लिया आपने? अब ये मत बोलिएगा सर मैंने हैंडेड इन कर दिया है। जल्दी रिप्लाई क्या करें, मुझे और भी लोगों से फिर बात करनी है, मुझे कंटिन्यू करना है क्लास को, मैं आप दोनों से इंडिविजुअली बात ही नहीं करूंगा। दानियाल साहब यस सर किस बात के लिए लिख के भेजा है? आपने असाइनमेंट कर लिया है उसके लिए? सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो गए आपके, जितने भी प्रीवियस असाइनमेंट रह गए थे आपने कंप्लीट कर लिए हैं? क्यों, क्लास के बाद क्यों जाएगा? आतिफ करीम साहब जरा अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। आतिफ जी करीम सर, साहब जी, सर थोड़ा ये सा क्लास के काम, बाद, थोड़ा सा काम रहता है, वो क्लास के बाद हो जाएगा। तो बेटा ये इसकी टाइमिंग क्या थी, आपने देखा नहीं था कि आपको कब तक कंप्लीट करना है मेरा बच्चा? जी आतिफ साहब, आपसे मुखातिब हूं मैं। जी सर, गलती हो गई, सॉरी। हर चीज में आप लोग, आपको क्या लगता है, मुझे आपकी सॉरी से जो बहुत दिली तसल्ली। बेटा गलती तो होगी, लेकिन गलती क्या हर बार होगी? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, हर बार आप इसी तरह कहते रहेंगे, मैं भी फिर आपके साथ खुदा ना खास्ता कहीं फीडबैक गलत दे दिया, अल्लाह ना करे, सॉरी मुझसे गलती हो गई। मैं आपके यूनिवर्सिटी को जो लेटर लिखना था, मैंने उसमें रिकमेंडेशन लेटर में कुछ गलत लिख दिया गलती से, ऐसा नहीं करें ना प्लीज। आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। आप असाइनमेंट, हर असाइनमेंट को आप लेट कर रहे हैं,
वो आपका रिकॉर्ड खराब होगा, मेरे रिकॉर्ड खराब होगा, फिर बाकी सब्जेक्ट भी आप कहेंगे ये बच्चा असाइनमेंट वक्त नहीं कर रहा। मुश्ताफा साहब आपका क्या स्टेटस है? मुश्ताफा साहब अनम्यूट कीजिए जरा प्लीज़। जी मुश्ताफा साहब अनम्यूट करने को कहा मैंने, जी सर लिखने को नहीं कहा, अनम्यूट कीजिए जरा प्लीज। सितारा आपने भी असाइनमेंट नहीं किया हुआ और आप लोग क्लास में फौरन क्यों नहीं ज्वाइन करते 8:45 पर, 8:47, 8:48, एक क्लास खत्म होने के बाद आप लोग चले जाते हैं क्या आराम करने? कहाँ थी सितारा आप? और मुश्तबा आपसे अनम्यूट करने को कहा बेटा मैंने, सितारा मुझे लिख के रिप्लाई करें, मुश्तबा आप अनम्यूट करें। मुश्तबा आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे कह रहा हूँ अनम्यूट करें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। जल्दी करें, मुझे फिर पढ़ा भी टर्मिनोलॉजीज भी बतानी है, लेकिन आप लोग जो क्लास में 10-15 मिनट लगा ये तरीका नहीं। जी मुश्ताक ये सही का ख्याल रखना है, रोजाना रोजाना बतावा नहीं आप लोगों को। और अगर आपने 3 मैसेज के रिप्लाई नहीं किए तो मैं आपके अटेंडेंस एब्सेंट मार्क करूंगा, ये बात याद रखिएगा। मेरे यूनिट्स में इस गलतफहमी में मर रहिएगा कि आप लोग जो है वो आप लोग प्रेजेंट हैं क्लास में। सितारा आप मुझे सुन रही हैं? सितारा आपको मेरी आवाज आ रही है? असाइनमेंट क्यों नहीं किए बेटा? अब्दुल अहद माइक सही हो गया आपका? अब्दुल अहद साहब आर यू देयर? बेटा तो उसको पोस्ट भी करना है, समझ आई सितारा? मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप इस तरह करेंगे ना तो फिर आपका नुकसान है बहुत। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स। अब ये क्रेडिट सेल क्या है? बेसिकली दिस इज टर्मिनोलॉजी, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स आर द टर्मिनोलॉजीज विच वी विल यूज इन अकाउंटिंग। एंड द वर्ड कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स शोज दैट द बिजनेस हैज सोल्ड आउट गुड्स ऑन बाय डिफरेंट वेज। व्हेन अ बिजनेस सेल गुड्स एंड रिसीव कैश दिस इज कॉल्ड कैश सेल्स। And when we sell good to customer and the customer made a promise, the customer says, I will pay you in near future. It means we are selling goods on credit, on account. जैसे परचेस कितनी तरह से हो सकता था बच्चों? थोड़ी जल्दी रिप्लाई, दो टू लिखने में बड़ा टाइम लग गया आप लोगों का, है ना? ढूंढ रहे होंगे टू कहाँ होता है। जिस तरह परचेस दो अंदाज से पड़ा, इसी तरह सेल भी दो अंदाज से है। तो कैश सेल क्रेडिट सेल क्लियर है? और अगर क्रेडिट सेल्स क्लियर है तो बताओ, अब उधार पर हम सामान बेच रहे हैं ना, किसे बेच रहे हैं? To whom we are selling goods? So this time customer will make a promise. अच्छा, do you remember कि मैंने आपसे कहा था कि we will consider only our act, the act of our business, right? याद है ना ये बात या नहीं मेरी? हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला क्या कर रहा है। तो भाई आज कस्टमर कह रहा है वो हमें पैसे देगा, अरे कस्टमर क्या कह रहा है छोड़िए इस बात को, ये बताइए हमें कस्टमर से पैसे। कंप्लीट माई सेंटेंस, नाउ वी हैव अ राइट, नाउ वी हैव अ राइट एंड व्हेन दिस राइट केम टू अस, व्हेन वी सेल गुड्स टू कस्टमर, our right, एक हक हमारे पास आया। किस बात का हक आया?
क्योंकि हमने कस्टमर को सामान किस पर बेचा है, क्रेडिट पर, और उसने हमसे किया है वादा। अरे वो वादा कुछ भी करे, वो वादा जुबानी करे, लिखकर करे, कुछ भी, अभी इस पे बात नहीं हो रही। अभी हम कह रहे हैं कस्टमर को, जब हमने सामान बेचा तो कस्टमर ने हमसे प्रॉमिस किया, नाउ दिस प्रॉमिस मींस वी गॉट आर राइट, वी रिसीव्ड आर राइट, आर राइट टू कलेक्ट अमाउंट, आर राइट टू कलेक्ट मनी फ्रॉम कस्टमर। यस एग्जैक्टली नूरुल फातिमा, समझ में आती है ना? तो ये राइट क्या ऐसे ही आ जाता है मेरा बच्चा? कोई भी शख्स रास्ते में जा रहा हूं, उसको पकड़ के बोले भाई तुमने हमें पैसे देने, शाबाश, कब दोगे? तो ऐसे तो नहीं आता ना। तो इसका मतलब है राइट कब आया? जब हमने उसे गुड्स डिलीवर कर दी, जब हमने उसे सामान बेच दिया, उसके ऑफिस की तरफ रवाना किया, सामान हमारे गोडाउन से, हमारे प्रेमिस से, हमारे ऑफिस से निकल कर चला गया, तो हमारी जानिब से सेल हो गई। एग्जैक्टली, सामान हमारे पास से जाने के बाद अब अगर उसने पैसे हाथ के हाथ दिए और सामान लिया है तो कैश सेल्स, और अगर उसने हमसे प्रॉमिस किया है तो उसे कहते क्रेडिट सेल है, और इस क्रेडिट सेल्स के नतीजे में, इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रेडिट सेल, आर राइट केम टू अस एंड दैट राइट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ट्रेड पेबल क्लियर है सब बच्चों को तो ट्रेड रिसीवेबल डेफिनेटली क्लियर हो जाना चाहिए। ट्रेड पेबल में हमने पैसे देने, एक्शन किसका है? एक्शन किसका है? ट्रेड पेबल में पैसे हमने देने हैं, एक्शन किसका है बच्चों? शाबाश, खुश रहिए, हमारा। और ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल में पैसे किसने लेने हैं? ट्रेड रिसीवेबल में पैसे किसने लेने हैं? दुआ, सवाल नहीं सुना ना? आलियान, सॉरी आयना और आलियान गौरी, सवाल सुनना चाहिए टीचर का, वरना ऐसे ही होता है बेटा। मैं कह रहा हूं और ट्रेड रिसीवेबल में पैसे किसने लेने हैं? तो आप बोल रहे हैं माशाल्लाह कस्टमर, कितने प्यारे हैं आप लोग, और महक ने तो बोल दिया सप्लायर। महक, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है हमारे पास पैसे लेने का राइट आया, तो सेल पर्सन कौन है? शानजे, ओनर कहां से आ गया? आतिफ करीम साहब अभी यहां पे। ओनर तो मालिक के, बिजनेस की मिल्कियत के लिहाज से होता है। अभी तो हम किसी के लिए ओनर थोड़ी है, हम बिजनेस के लिए ओनर है भाई। तो सीधा सीधा जवाब है, हम लोगों ने पैसे लेने हैं, हमने लेने हैं हमारे, अगर ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है, हमारे पास पैसे लेने का हक है, तो पैसे भी हमने लेने हैं। कौन पैसे देगा? कस्टमर देगा, देना उसका काम है, लेना हमारा काम। तो एक्ट किसका है? हमारा। तो नाउ वी हैव अ राइट टू कलेक्ट अमाउंट एंड दिस राइट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं और डेटर्स भी कहते हैं, डीईबी, अगर आप यहां देख सकें, डीईबी टीओआरएस, डेटर्स। डेटर एक, कोई एक शख्स डेटर हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है, सही है, और एक से ज्यादा लोगों से भी हमारे पास पैसे लेने का राइट हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ना चाहिए, सबको समझ आ गया? आप चाहते हैं कुछ इसमें मजीद बात करना तो यकीनन मैं तैयार हूं, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। Is it clear to everyone, बच्चों? Okay, शुक्रिया, अगर clear है तो। Now the last term is sales return and allowances। और जैसे आपको purchase return समझ आया था, sale return पे अब इस बार ज्यादा time नहीं लगाऊंगा। जिस तरह से हम sale कहते हैं सिर्फ इस चीज के sell करने को, goods, तो वही goods अगर हमें वापस करे कौन? शुक्रिया, वो गुड्स हमें वापस करे कस्टमर, तो अब हमने उसका नाम रखना है, क्या नाम रखना है? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। वो क्या कह रहा होगा? हमें गर्ज नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे ना? अल्लाह करे आप लोग। वो क्या कह रहा होगा? हमें उससे गर्ज नहीं है। हम कहेंगे हमने तो उसे सामान, मर्चेंडाइज क्या की थी पास्ट में, बोलो, लिख के भेजो,
हमने उसे पास्ट में मर्चेंडाइज को क्या किया था, हमने उसे मर्चेंडाइज क्या की थी पास में, एक्सीलेंट, सेल की थी, बेची थी, सेल की थी, सोल्ड आउट की थी। आज वही सेल कस्टमर हमें कर रहा है लाकर वापस, वही बेचा हुआ सामान कस्टमर हमें लाके दे रहा है वापस। नाउ दिस दैट सेल इज नाउ बिकम सेल रिटर्न एंड अलाउंस एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट द होल अमाउंट द होल गुड्स आर गोइंग टू बी रिटर्न। माइट बी पॉसिबल कि वो हमें 1 लाख रुपीज के सामान में से 5,000 का सामान वापस कर रहा हो ये कहकर कि ये डिफेक्टिव है, बिलो स्टैंडर्ड है, खराब है, डैमेज है। तो 5,000 जो कस्टमर ने हमें वापस किया वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है। वो उसको क्या कह रहा है, हमें उससे गर्ज नहीं है क्योंकि एक्ट हमारा है। हमारे लिए एक्ट क्या है कि हमने ही तो बेचा था, तो हमारा बेचा हुआ सामान कस्टमर ने हमें वापस किया तो ये सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस कहलाता है। शुक्रिया। क्या आप क्लियर हैं? अब आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी टर्मिनोलॉजीज तो क्लियर हो गई। इसके बाद मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोग एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, बाकी आप यहां से खुद पढ़िएगा। अब आप मुझे बताएं इसमें से कोई आप पूछना चाहते हैं किसी चीज के बारे में? अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने असाइनमेंट अटेम्प्ट किया है और आपके पास पूछने के लिए कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको बहुत लाइटर नोट पर एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू के बारे में बताते हुए तेजी से आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी बच्चों, मेरे ख्याल आपके पास फिलहाल कुछ पूछने के लिए है नहीं, तो अकाउंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं अगर आपको याद हो। इंशाल्लाह हम इन चीजों को अभी पढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये सब चीजें पढ़ेंगे। अकाउंट या अकाउंट्स, मैंने आपको बताया था कि देयर आर नंबर ऑफ अकाउंट्स इन अ बिजनेस विच आर यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये है चार्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट। सही है, आप ये सारे नाम याद रखेंगे। एकेडमिक लेवल पर जो नाम यूज होते हैं वो लिस्ट ऑफ अकाउंट है, नेचर ऑफ अकाउंट है और हेड ऑफ अकाउंट है। ये एकेडमिक नाम है। प्रैक्टिकल लाइफ में, लाइक अगर आपके फादर, आपके भाई, आपकी बहन, यानी मैं बात कर रहा हूं जो आपके एल्डर्स हैं, उसमें से अगर कोई सीए या फिर कोई प्रैक्टिकल लाइफ में है या कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो वो जानता होगा, वो उनके यहाँ ज्यादातर लिस्ट, नेचर और हेड के वर्ड्स यूज नहीं होते। वो तो लोग ज्यादातर चार्ट ऑफ अकाउंट का वर्ड यूज करते हैं और हर बिजनेस का चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। सर तो चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली होता क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बड़ी तमहीद बांधी थी, बहुत डिटेल में इस पर बात की थी। कहा था जिस तरह आपका घर और घर के अंदर मुख्तलिफ कमरे और हर कमरे में मुख्तलिफ चीजें और हर चीज के उस रूम में होने की लॉजिक, कोई भी चीज विदाउट लॉजिक उस रूम में नहीं रखी जाती, ऐसा ही है ना। तो हम आज अकाउंटिंग के घर की सैर का आगाज कर रहे हैं। द फर्स्ट हेड ऑफ अकाउंट्स इज एसेट्स एंड एसेट्स मीन्स, अब जो बच्चा लिखना चाहे वो लिख सकता है, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो लोग नोट्स बनाते हैं वो नोट्स जरूर बनाएं, यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं इतनी सारी बातें नहीं कहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत शॉर्ट वर्ड्स में, लिमिटेड वर्ड्स में बात करूं। वैसे तो अगर मैं किताबी डेफिनेशन कहूं बच्चों तो किताबी डेफिनेशन कह के तो मेरी जान छूट जाएगी। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। सही है, रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। सुना आपने दोनों बातें, लेकिन अब मैं इसको आसान लफ्जों में कह रहा हूं और मेरे ख्याल उर्दू में कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतनी आसान अंग्रेजी बोलने जा रहा हूं कि आप फौरन समझ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दोस थिंग्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस टू ऑपरेट इट, दोस थिंग्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस टू ऑपरेट इट आर कॉल्ड एसेट्स। मुश्किल, दोबारा कहूं एक बार भाई, अगर मैं किताबी बातें ही कहूंगा तो फिर मेरे होने का क्या फायदा, मेरी प्रेजेंस का कोई बेनिफिट तो तभी मिलेगा व्हेन यू विल लिसन अ डिफरेंट
ईजीएस्ट वे, तो फिर आपके लिए आसानी होती है ना, एक आसान अंदाज में आप बात को सुने। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी डेफिनेशन याद कर लें, मैं तो आपको वही बात बहुत आसान लफ्जों में बोलने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो बुकिश स्टाइल में लिखी होती है या जो फॉर्मेट में भी हमने बुक वाले अंदाज में लिखी है, क्योंकि डेफिनेटली फॉर्मेट बहुत सारे लोगों से शेयर होता है। तो अगर आप किसी के सामने जाकर ये आसान तरीन डेफिनेशन शो करते हैं तो खुदा ना खास्ता इसका मतलब गलत नहीं है, लेकिन उसकी डेफिनेशन का एक स्पेसिफिक अंदाज है जो बहुत सारे टीचर फॉलो करते हैं, जो किताबें फॉलो करती हैं। तो आप इतना सारा लिखना चाहते हैं, जरूर लिख लें अपनी नोटबुक में, मुझे एतराज थोड़ी है। मैं तो आपसे वन लाइन स्टेटमेंट कह रहा हूँ, एसेट्स मीन्स दोस थिंग्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस टू ऑपरेट इट एंड फॉर टेकिंग बेनिफिट, दोस थिंग्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस टू ऑपरेट इट एंड फॉर टेकिंग बेनिफिट आर कॉल्ड एसेट्स। नूरुल फातिमा आप आगे बढ़ूं? ओके अब्दुल अहद, आपने माइक से, अच्छा जी, आमना कहती हैं आपने इसका प्रिंट मटेरियल तो निकाल लिया, लेकिन आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये लिखने हैं, सही है, ताकि आपको याद रहे, और आपने ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मेरे लेक्चर से मुतालिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में लिख रही हैं साथ साथ। बेशक आपके पास किताबी डेफिनेशन मौजूद है, आपको ये भी आनी चाहिए, और आपको आसान अंदाज से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझें। और यकीनन जो मैं कह रहा हूँ वो यहाँ लिखा है, अगर आप गौर से देखें, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर ऑपरेशन, सही है। तो ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ वो अलग से नहीं है। अब्दुल अहद अनम्यूट करें जरा प्लीज। जी जी सर, मैंने अभी जो डेफिनेशन कही वो रिपीट करें। आपने लिखा कहीं? नहीं तो फिर कैसे पढ़ाई होगी? तो फिर आपको याद है तो सुनाया। सर, आई विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई विल सॉरी, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्क्रीनशॉट लेने की तो जरूरत ही नहीं है, मैंने तो आपके पास पूरा अपलोड किया हुआ है। आई विल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट। So I don't write it now. सो व्हाट आई सेड, व्हाट आई टोल्ड यू, तो उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं हुई ना फिर। मतलब आप सिर्फ किताबी बातें याद करेंगे। यू आर सपोज टू क्या कहना चाहिए, क्या आप मतलब बस आपके लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेरे लेक्चर की कोई अहमियत नहीं है। मैं बात ना करूं आपसे, मैं आपको ये फॉर्मेट देके बोलूं, आप उसको याद कर लें। दैट। सॉरी। जी सॉरी, बड़ा अच्छा लफ्ज आप लोगों ने ईजाद किया हुआ है भैया, हर बच्चा सॉरी बोल के बात खत्म कर देता है। थैंक यू सो मच सर, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल प्लीज। ओके सर, एलजी से। मैं फिर तमाम बच्चों को कह रहा हूं कि आप बेशक जितने भी जहीन हो, बहुत अच्छी बात है, आपकी जहानत आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ, फिर ठीक है, मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूं और मैं आपसे आसान लफ्जों में बात नहीं करता, फिर आप भुगतिएगा, फिर साइंस वाले भी परेशान होंगे कि सर वो हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हैं, नया सब्जेक्ट है और आप इतनी तेजी से जा रहे हैं। इतना स्लो स्पीड से जा रहा हूं मैं कि आपको हर बात क्लियर हो। दोस्त थिंग विच वी यूज इन आवर बिजनेस, सर स्क्रीनशॉट ना, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं ये बात, मुझे स्क्रीनशॉट नहीं आपकी नोटबुक में काम चाहिए, पूरी क्लास से मुखातिब हूं मैं। जब आप आएंगे ना तो अपने मोबाइल नहीं आके मुझे दिखाएंगे, और मोबाइल तो कॉलेज में अलाउ ही नहीं है, ये बात आपको अगर नहीं पता तो पता चल जाएगी। मोबाइल कॉलेज में आपको स्मार्टफोन तो अलाउ ही नहीं है। आप बहुत, अगर आपके साथ बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको कोई वापसी पर आपको परेशानी होती है, कॉल करने का इशू होता है, आप अपने साथ सिर्फ कीपैड वाला मोबाइल ला सकते हैं, स्मार्टफोन तो अलाउ ही नहीं किसी भी कीमत पर। और ये आपको बातें डीसी की मीटिंग में पता चल चुकी होंगी, नहीं पता चली तो आपको कॉलेज जब आएंगे उससे पहले पता चल जाएंगे, आई होप। और आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, यानी जो आपकी क्या कहना चाहिए, ओरिएंटेशन हुई थी फर्स्ट फर्स्ट क्लास में, बिल्कुल उसमें ये सब चीजें आपको बताई गई हैं। जो लोग उस ओरिएंटेशन में भी नहीं थे उन्हें मैंने बता दी अभी, राइट। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसको लाजमी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। नाउ द एसेट इज क्लियर,
कि भाई एसेट्स आर दोस थिंग्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस टू ऑपरेट इट एंड फॉर टेकिंग बेनिफिट. ओके, सो जैसे ही हम एसेट्स में आगे बढ़ते हैं, हमें एसेट्स के रूम में चीजें नजर नहीं आती फौरन, बल्कि ये चीजों के बजाय हमें सबसे पहले क्या नजर आता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट. नंबर वन इज करंट एसेट्स, नंबर टू इज नॉन करंट एसेट्स. अब करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं. जो मैं बोल रहा हूं वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो बेहतरीन, नहीं कर रहे तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं. करंट एसेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एसेट्स. ओके, जब मैं ये समझाऊंगा तब मैं इनके ऊपर बात करूंगा. राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन करंट एसेट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म एसेट्स. अब बात यह है, हमने इससे पहले जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपसे शेयर कर रहे थे, और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं GCR पे अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं, हमने अकाउंटिंग पीरियड की बात की थी. रिमेंबर, अच्छा साथ साथ मैं ये भी बता लोगों को कि थर्ड यूनिट मेरा है तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लास को. राइट, हमारी क्लास कंटिन्यू होगी और हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह. थर्ड यूनिट आपका सर हसन अब्बास का था उर्दू का, आज तो मैं एज अ फिक्स्चर कंडक्ट कर रहा हूं. ओके, तो मैं मेक श्योर कर लूं एक बार. यस, थर्ड यूनिट मैंने ही कंडक्ट करना है आपका, बिल्कुल सही. सो द थिंग इज के जी नॉन करंट के तो नाम लिखे हुए ना. अभी जब मैं नॉन करंट समझाना शुरू करूंगा आफियत, मैं इसको मजीद इसकी डेफिनेशन भी बता दूंगा. इन द फर्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग या व्हाट इज द क्राइटेरिया टू कॉल एन एसेट एज अ करंट एसेट. राइट, सही है ना भाई. एसेट्स तो वो चीजें हैं ना जो कि हम इस्तेमाल करें, जो कि फायदा पहुंचाएं बिजनेस को ऑपरेट करने में, वो एसेट्स कहलाती हैं. दोस थिंग्स विच वी यूज इन अवर बिजनेस टू ऑपरेट इट एंड फॉर टेकिंग बेनिफिट आर कॉल्ड करंट एस आर कॉल्ड एसेट्स. अब मैं इसमें एक कंडीशन ऐड करने लगा हूं, आपने कंडीशन सुननी है और फिर जैसे ही सुनेंगे आप वो कंडीशन मुझे लेके भेजेंगे. सही है, हर बच्चा या आपके अटेंडेंस का एक अंदाज होगा. जो मैं जुमला कहूंगा उसमें मैं एक क्राइटेरिया कहूंगा, क्राइटेरिया फॉर करंट एसेट. सही है, आपने वो क्राइटेरिया सुनने के बाद लिख कर भेजना है हर बच्चे ने. मुदस्सिर साहब हैं क्लास में? हैं जी, चलें सुनते हैं. अब आप डेफिनेशन समाप्त फरमाएं. क्या मैं जब करंट एसेट की डेफिनेशन सुनाऊंगा तो क्या एसेट की डेफिनेशन को बायपास कर सकता हूं, एसेट की डेफिनेशन चेंज कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल? शुक्रिया, एक्सीलेंट. सो दोस थिंग्स which we use, those things which we use in our business within 1 year, those things which we use in our business within 1 year to take benefit and to operate it. Those things which we use in our business within 1 year to operate it and for taking benefit are called current assets. Now your turn. Write the criteria. Only criteria. आप लोगों ने मेरी डेफिनेशन को यहां कॉपी पेस्ट कर दिया है,
मैंने ये हरगिज नहीं कहा, मैंने कहा क्राइटेरिया, करंट एसेट के डेफिनेशन का क्राइटेरिया। आफिया एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छे से सुना आपने मेरी बात को। चांसे वेरी गुड, बाकी लोग तो आप बता ही देंगे ना, अब तो पता चल गया ना, सबने लिख के भेज दिया तो बोला मैं भी लिख के भेज दूं, यही वाली बात सही है ना। शुक्रिया। अच्छा तो ऐसा है कि मैं आप लोगों को ये अब बताता चलूं कि आप लोगों की क्लास मैं कल से नहीं, कल से हाँ हो भी सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैं आप लोगों की क्लास जो है ना कल से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जूम पे कंडक्ट करूंगा। आप सब सुन रहे हैं मुझे? मैं आपसे कल जूम पर क्लास कंडक्ट करूंगा और लिंक आपसे शेयर कर दूंगा आज इंशाल्लाह। और ये बात गौर से ना सिर्फ सुन लीजिए बल्कि समझ लीजिए कि अगर आप अपने प्रॉपर नाम के साथ वहां क्लास में इन नहीं होंगे तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको अलाउ ही नहीं करूंगा क्लास में। बेशक अभी तो आप देख सकते हैं, आप सबको अंदाजा होगा कि आपके नाम के साथ आपके फादर का नाम भी यहाँ लिखा हो रहा होता है पूरा, यानी आप एक बड़ा सा नाम है सब बच्चों का ना, क्योंकि वालिद का नाम भी साथ में है। तो आप सिर्फ अपना नाम भी, अगर जैसे मैं मिसाल के तौर पर बोल देता हूँ, जैसे सैयद इफ्तिखार अली साहब, इफ्तिखार अली भी लिख के आ जाएंगे, इनफ है। और फिर वो एक बार एक नाम जो लिखा आएगा वही होना चाहिए, और आइडियली क्या होना चाहिए, सैयद इफ्तिखार अली लिखा हो तो बेहतर है, जैद हसन लिखा हो तो बेहतर है, दुआ बिनते फैसल लिखा हो तो बेहतर है, क्योंकि यही पूरा नाम आपका यही है, दुआ बिनते फैसल, अगर मैं गलत ना हूँ। नूरुल फातिमा का नाम नूरुल फातिमा ही लिखा हो प्रॉपर, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपने अपने प्रॉपर नाम के साथ जूम की क्लास में इन्होंने, और अगर आपके मोबाइल का नाम आ रहा होगा वहां लिखा हुआ तो विद ड्यू रिस्पेक्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका प्रॉपर नाम है, सही है, आपका जो प्रॉपर नाम है वो लिखें, क्योंकि अटेंडेंस पे इफेक्ट ना हो ना खुदा ना खास्ता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैं अटेंडेंस किस तरह लेता हूँ कैसे लेता हूँ, तो वो तो क्लास के बाद फिर मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा होता हूँ ना आपके रिप्लाई को देखते हुए, ऐसा थोड़ी क्लास में अटेंडेंस। तो चलें, आई होप अगर ये बात क्लियर है सबको तो आप आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। करंट एसेट हर उस चीज को कहना है जिसे हम बिजनेस में इस्तेमाल करें, वो हमें पहुंचाए फायदा, लेकिन उसका फायदा हासिल हो जाए कितने वक्त में, कितने अरसे में, कितनी देर, 1 ईयर में, विद इन 1 ईयर का मतलब होता है 1 साल, 1 साल के अरसे के अंदर का मतलब होता है अगर एक दिन में हासिल हो जाए तो क्या गलत है, एक दिन में हासिल हो जाए तो गलत है, एक हफ्ते में हासिल हो जाए तो गलत है, एक महीने में हासिल हो जाए तो गलत है, नहीं। वो तमाम चीजें जो फौरन एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, 3 महीने में, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 महीने के अंदर अंदर हम कर सकें इस्तेमाल, और इस्तेमाल करने के बाद वो हमें पहुंचा दे फायदा, वो तमाम करंट एसेट्स हैं। और अगर आप कंडीशन लगाना चाहें, आपके दिमाग में कंडीशन आ रही है, आप खुद से बोलना चाहते हैं सर अगर कोई चीज 1 साल से ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल करते रहे और पहुंचाए फायदा, तो इसका मतलब है अब बेनिफिट एक्सटेंड हो गया एक पीरियड से ज्यादा पर। शॉर्ट टर्म इज अ 1 ईयर पीरियड, शॉर्ट टर्म क्या होता है 1 साल और उससे कम का अरसा, और लॉन्ग टर्म पीरियड 1 साल से ज्यादा का अरसा। तो हम नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, प्लांट एसेट को लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। क्लियर? करंट एसेट को शॉर्ट टर्म एसेट, क्योंकि ये विद इन 1 ईयर यूज करके बेनिफिट पहुंचा देते हैं, एंड द एसेट विच विल बेनिफिट द बिजनेस मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल से ज्यादा अरसे तक फायदा पहुंचाएंगे, दोज एसेट्स आर कॉल्ड
नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट अभी हालांकि पढ़ा नहीं रहा लेकिन बोल दिया, बात कर ली। चलो अब एसेट्स पे आ जाओ फटाफट। और एसेट्स में करंट एसेट में पहला नाम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? कैश इन हैंड। अब यहां इन हैंड से परेशान ना हो, कैश इन हैंड कहूं या सिर्फ क्या कहूं, पढ़ो क्या लिखा है। सिर्फ कैश इन हैंड बोलना जरूरी नहीं है, सिर्फ कैश भी बोल दें। मुश्तबा साहब बहुत शुक्रिया, आप रिप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ कैश भी बोल दूं तो इनफ है। तो अब ये कैश, कि पहले तो मुझे बताएं, क्या मुझे किसी स्टूडेंट को ये समझाने की जरूरत है कि कैश क्या होता है? नहीं है, ओके। तो फिर आप बताएं कैश को हम बिजनेस में क्या करते हैं? कैश, अब देखें मेरा, अब मेरा अंदाज क्या है पढ़ाने का, पहले आप अंदाज समझ लें। ये ना हो कि आप बोले सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप पढ़ा कैसे रहे, राइट? तो पहले आप जरा क्लियर कर लें कि मैं किस तरह पढ़ाने लगा हूं आपको। मैं हर अकाउंट का नाम पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग द नेम ऑफ अकाउंट, मैं सबसे पहले प्रूफ करूंगा या मैं सबसे पहले उसका मतलब बताऊंगा। अगर आपको मतलब नहीं पता, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बोला सर हम सबको बताए कि कैश क्या होता है। मैंने कहा ओके, अगर आपको इस वर्ड की मीनिंग पता है तो अब मैं प्रूफ करूंगा कि वाई इट इज इन द रूम ऑफ एसेट, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल एक्सप्लेन वाई इट इज रिलेटेड टू या वाई इट इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ करंट एसेट्स। तो मेरे दो काम हैं और तीन भी हो सकते हैं। पहला एक्सप्लेन करना अगर नाम नहीं पता, दूसरा इस हेड में क्यों है, और फिर तीसरा सब हेड। सही है, ये मेन हेड है और ये सब हेड, सब कैटेगरी। आपको अंदाज समझ में आ गया मैं कैसे पढ़ाने जा रहा हूं? अब बात को आगे बढ़ाता हूं। तो चलिए प्रूफ करते हैं। पहले कैश एसेट्स के रूम में लिखा हुआ है, बताओ भाई कौन बताएगा? हम पूछते हैं तो बताएगा ना कोई। अलीना नहीं, अली, हाँ चले अलीना से कह देते हैं। अलीना अनम्यूट कर लें, शाबाश जी सर। बेटा। ये बताइए ये कैश को हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी में? अभी बिजनेस के लिहाज से नहीं पूछना चाह रहा, अपनी जिंदगी में पूछना चाह रहा हूँ। हम कैश से आमतौर पे क्या करते हैं, कैश को जिंदगी में अपनी लाइफ में? इस्तेमाल करते हैं कुछ। एक्सीलेंट मेरा बेटा, खुश रहिए मेरा बच्चा। आपने कहा इस्तेमाल करते हैं, और एक रिप्लाई आया मैसेजेस में सर स्पेंड करते हैं। स्पेंड करने का मतलब यही होता है ना, हम ना इस्तेमाल करना। तो अलीना ने बहुत अच्छा बताया। अच्छा बताओ तो अलीना, क्या कैश को सिर्फ अपनी जिंदगी में अपने घर में ही इस्तेमाल करते हैं? क्या बिजनेस भी कैश को इस्तेमाल करता है? जी सर। अच्छा, तो इसका मतलब है कैश बिजनेस इस्तेमाल करता है। तो कैश बिजनेस में इस्तेमाल होने से, कैश बिजनेस को इस्तेमाल करने से बिजनेस को क्या होता है अलीना? जी सर। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा तो क्वेश्चन सुन लें आराम से। मैं कह रहा हूं कैश बिजनेस में आप जिस तरह आप कैश अपने लिए इस्तेमाल करती हैं अपनी जिंदगी में, इसी तरह कैश को बिजनेस में भी हम क्या करते होंगे? इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल। तो इस्तेमाल करने से क्या होता है, मतलब बस ऐसे ही दिल चाहता है हमारा इस्तेमाल करते रहते हैं? नहीं मतलब वो कैश हमारे हाथ में, तो जब हम चाहें यूज कर सकते हैं। तो यूज यूज तो कर सकते हैं। अब यूज करेंगे तो होगा क्या, मतलब बस यूज करते रहेंगे ऐसे ही और बोलेंगे बस ठीक है पैसे जा रहे हैं उस काम के पैसे लिए को? यूज करेंगे। हाँ, तो मैं ना असल में मकसद जानना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं आप वो वर्ड इस्तेमाल करें जो मैंने डेफिनेशन में इस्तेमाल किया है, या आप डेफिनेशन की तरफ आए। हम कैश को बेसिकली, अच्छा अब ना मैं उन लोगों के साथ जरा मुखातिब हो जाऊं जो इन्वेस्टमेंट पे तुले हुए हैं, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट वाला वर्ड होता है ना, ये थोड़ा सा तकलीफ दे होता है भाई। जब तक कैश बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो इस्तेमाल कहां से करोगे? तो ये बात दिमाग में रखें कि बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब अगर आप अभी भी क्लियर नहीं है तो चले मैं क्लियर कर देता हूं। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस 50 लाख रुपीज कैश की मदद से स्टार्ट किया, क्या आप 50 लाख रुपीज एक दुकान में ले जाके रख देंगे और शटर बंद करके बाहर बैठ जाएंगे और दुआ करेंगे अल्लाह ताला 50 लाख 60 लाख बन जाए? वो भाई उस पैसे को आप इन्वेस्ट करने के बाद कारोबार में क्या करते हैं,
उस पैसे से आप चीजें खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, उस पैसे को करते हैं। इस्तेमाल, यूज, तो यूज करने से क्या होता है? एक्सीलेंट आफिया, उस पैसों को इस्तेमाल करने से होता है फायदा। वेरी गुड आलिया। और फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है, प्रॉफिट तो बाद में, दुआ प्रॉफिट की बात बाद में, पहले कारोबार को फायदा किस तरह होता है कि आप जब वो पैसों से चीजें खरीद के लाते हैं तो आपका कारोबार ऑपरेट होता है। बेनिफिट तो तभी मिलेगा ना। यस, बेनिफिट कौन सा भाई? कस्टमर आएगा, आप बोलेंगे अपनी कुर्सी लेके नहीं आए, चेयर तो आपके पास होनी चाहिए ना। इट मींस द फर्नीचर विच यू आर गोइंग टू बी परचेज विल बेनिफिट द बिजनेस। आप पैसे को इस्तेमाल करके हासिल करते हैं फायदा, और वो फायदा आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। तो अब मुझे बताएं, बिल्कुल सोच के, ईमानदारी से, इत्मीनान से, कैश एसेट के कैटेगरी में सही है या बस आप मान रहे हैं कि सर ठीक है, बस कैश एसेट होता है, हमने मान लिया। कैश बिजनेस में करते हैं सब लोग इस्तेमाल, कैश बिजनेस को पहुंचाता है फायदा, इसलिए कैश है एसेट। एग्री? साइंस के बच्चे बताएं मुझे, साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट बताएं प्लीज, उन्हें क्लियर है? नहीं, मैं रिकॉल करूं और एक्सप्लेन करूं। कैश बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस को पहुंचाता है फायदा, इसलिए है एसेट। अब आप खुद ही देखें कि हमने कैश को कहां शो किया हुआ है, जल्दी बताएं, करंट एसेट में। इसका मतलब है, अब जरा बताइए करंट एसेट का क्राइटेरिया याद है या भूल गए? जी मुश्तबा साहब, ऐसा ही है, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, शुक्रिया जी, एक्सीलेंट। क्राइटेरिया याद है तो भाई, बच्चों, प्यारे बच्चों, तो कैश को इस्तेमाल करके फायदा हासिल हो जाता है। एक साल तो ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, क्या ख्याल है? वो तो डेफिनेशन है ना। हम कहेंगे सर कैश को इस्तेमाल करके एक दिन में फायदा हासिल हो जाता है, एक घंटे में फायदा हासिल हो जाता है, हाफ एन आवर, टू आवर्स, थ्री आवर्स, वन डे, वन वीक इज इनफ टू यूटिलाइज द कैश, टू टेक द बेनिफिट ऑफ कैश। तो कैश तो वो वाहिद, कैश इज द ओनली अकाउंट, कैश दुनिया की वो वाहिद चीज है जिसे इंतहाई तेजी से इस्तेमाल करके हासिल किया जा सकता है फायदा। एग्री? कैश इज द ओनली एसेट विच वी कैन यूज एंड टेक द बेनिफिट एज अर्ली एज पॉसिबल। आपको भूख लग रही है, आप पैसों से कुछ खरीदिए और खा लीजिए, फायदा हो गया। आपको कारोबार चलाना है, पैसों की मदद से माले तिजारत, मर्चेंडाइज खरीद के लाइए, कारोबार चलाइए। जब आपने माल खरीद लिया तो अब आप कारोबार चलाने के काबिल हो गए, पैसों ने आपको पहुंचा दिया। तो अब ये तो आपकी मर्जी है ना कि आप मेरी बात माने या आप मेरी बात समझें। ना आपके चेहरे मेरे सामने, ना मेरा चेहरा आपके सामने, कि हम एक दूसरे को रीड करें कि आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं या मेरी बात मान रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं अपनी तौर पर पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कैश को हर शख्स बिजनेस में करता है इस्तेमाल, कैश बिजनेस में इस्तेमाल करके हमें होता है फायदा, कैश का बिजनेस को चलाने में मदद देता है। और कैश के अंदर ये खासियत है, खूबी है कि वो इंतहा तेजी से इस्तेमाल होके पहुंचा सकता है फायदा। तो इसीलिए करंट एसेट में हमने सबसे पहला नाम कैश लिखा हुआ है। आप बार बार सोच रहे होंगे सर कैश कैश क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि हम कैश इन हैंड आमतौर पे कॉल नहीं करते, हम सिर्फ कैश बोलते हैं। कैश इज इनफ टू कॉल कैश इन हैंड, राइट? इज इट क्लियर टू ऑल? द नेक्स्ट अकाउंट इज कैश इन बैंक। मैंने दो चीजें प्रूफ की कि ये कैश एसेट क्यों है और करंट एसेट क्यों है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैश इन बैंक। कैश इन बैंक मींस, ब्रैकेट में क्या लिखा है? बैंक। अब हमारे पैसे कहां रखे हैं बताओ? अच्छा एक बात बताओ, जब बिजनेस स्टार्ट करते हो 50 लाख रुपीज से, तो कुछ पैसों का सामान खरीद के ले आते हो, तो क्या सारे 50 लाख रुपीज ऑफिस में रख के आ जाते हो ताकि डाकू भाई आके ले जाए? Are we supposed to
कैरी ऑल द कैश एट वन प्लेस, नो, तो फिर हम पैसों को कहां रखवा देते हैं? फॉर सेफ्टी पर्पस, बैंक में। अब जब हमने पैसे बैंक में रखवा दिए तो बताओ बैंक में रखा हुआ पैसा किसका है? बैंक में रखा हुआ पैसा किसका है? हमारा। एक्सीलेंट। अच्छा, जब तक पैसे हमारे ऑफिस में थे उसका नाम था कैश, अब वही कैश जो कि हमारा है लेकिन हमने कहां रखवा दिया? रिप्लाई करते रहो भाई साथ साथ, वरना आप लोग जिम्मेदार हो अपने हर अमल के। यस, वही कैश जो हमने, हमारे पास था, हमने उठा के कहां रखवा दिया? बैंक में। तो बैंक में रखा हुआ पैसा क्या हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? जी आमना, मुझे अंदाजा हो गया कि आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई, आप बोर होती हैं थोड़ा सा, है ना, क्या करूं जी। बैंक में रखे हुए पैसे को भी हम कर सकते हैं इस्तेमाल, बैंक में रखा हुआ पैसा भी हमें पहुंचाता है। जी इफ्तिखार साहब, वो तो आगे की बात है ना, बस सिर्फ इतना बता दें कि बैंक में रखे हुए पैसे भी हम कर सकते हैं इस्तेमाल और वो भी हमें पहुंचाएंगे फायदा। जैद साहब प्रॉफिट ना बोलें शुक्रिया के साथ, अभी अभी सिर्फ बेनिफिट की बात करें। सही है, प्रॉफिट और लॉस, हम लोग प्रॉफिट और लॉस के पीछे बहुत भागते हैं। अभी पहले समझें कि ये सारी चीजें बिजनेस को प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट बात की बात है, जरूरी नहीं कि आपके काम करने से आपको हमेशा फायदा हो, आप यानी प्रॉफिट हो। फायदे से मुराद यहाँ प्रॉफिट नहीं है, फायदे से मुराद यहाँ वो बेनिफिट है जो कि आप फर्नीचर खरीद के लाते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं होता, फर्नीचर खरीद के लाते हैं तो आपके लिए बिजनेस को ऑपरेट करना आसान हो जाता है। आप कस्टमर को कहते हैं कि आइए तशरीफ रखिए, तो इसका मतलब है वो आपका एसी, आपकी फर्नीचर, आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे, आपको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। सही है, चले अब अल्लाह करे अगर ये बात आपको क्लियर है तो बैंक करंट एसेट क्यों है ये समझ आ गया साइंस वालों को, क्योंकि बैंक से पैसे निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं एक साल के अरसे के अंदर, और एक साल का अरसा तो बहुत बड़ा है। आप कहते हैं सर बैंक से पैसे निकालने में अब तो 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, बस अपने ऑफिस से एटीएम तक जाना है और बैंक से पैसे निकाल लेंगे, ऐसा ही है। इसका मतलब है बैंक से पैसे निकालकर इस्तेमाल करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो बैंक पहले हमारा क्या कहलाएगा बोलो? आपसे कभी पूछूंगा बैंक हमारा कौन से हेड से बिलोंग करता है, आपका जवाब होगा, मैं जब भी आपसे पूछूंगा कि बैंक हमारा कौन से हेड से बिलोंग करता है, बैंक हमारा क्या है, तो आपका पहला जवाब होगा बिल्कुल गलत, जिन्होंने करंट एसेट लिखा, आपका पहला जवाब होगा एसेट। सबसे पहले आप हेड कॉल करेंगे, डायरेक्ट आपने सब हेड कॉल नहीं करना, पहले आप बोलेंगे कैश या बैंक हमारा एसेट है, फिर मैं आपसे फर्दर अगर पूछूं कि कौन सा एसेट है, तब आप बताएंगे कि सर करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है। ठीक है, यानी आपने सबसे पहले हेड का नाम कॉल करना है, राइट। अब अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अगले नाम की जानेब। क्या मैंने आपको ट्रेड रिसीवेबल का वर्ड समझाया है? जब मैं इस ट्रेड रिसीवेबल को एक्सप्लेन करूं, समझाया है, ओके। अब अगर समझाया है तो फिर अगर मैंने समझाया है तो हिबा नहीं जैस्मीन, माइक आपका सही हो गया? जैस्मीन आप क्लास में हैं? आपके मैसेजेस बहुत कम हैं। जैस्मीन हमारे साथ क्लास में है? नहीं है आई थिंक। तो बेटा इतनी देर क्यों लगती है मेरा बच्चा रिप्लाई करने में? क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, अनम्यूट कर लें जरा, शाबाश। बेटा मेरा बच्चा अनम्यूट करने में कितना टाइम लगेगा? आप क्लास का टाइम इस तरह वेस्ट नहीं किया करें ना आप लोग।
तो फिर आपकी अटेंडेंस तो आज मार्क ही नहीं होगी, आप एब्सेंट मार्क होंगे। अपना माइक ठीक करवा लीजिएगा और ठीक करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हज़ार बार बोल चुका हूँ ये मेरा मसला नहीं है, माइक आपका ठीक नहीं है। किसी एक दिन तो ये प्रॉब्लम मैं सुन सकता हूँ, हर दिन नहीं। कमेशा आप अपना माइक अनम्यूट करें। जैस्मिन आप चाहें तो लीव कर जाएं क्लास से, रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग देखें आराम से, आप फायदा क्या आप लोगों के क्लास में आने का इस तरह। जी कमेशा फरमाइए, अकाउंट रिसीवेबल क्या है जल्दी से। आपका माइक अनम्यूट हो गया लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया वापस आपका माइक। आफिया आपने जो बात लिखी है मेरे हिसाब से वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है, और दुआ ने जो बात लिखी है वो हमारे पर्सपेक्टिव को ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रही है। तो मेरे लिहाज से बेहतर और अच्छी डेफिनेशन दुआ ने जो लिखी है वो होनी चाहिए। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आफिया आप गलत कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट इसमें आप खुद देखें कि आप कह रही हैं कि वो अमाउंट जो कस्टमर ने बिजनेस को देनी है, ऐसा ही है ना। तो जी कमेशा आप अनम्यूट नहीं कर रहे, इसका मतलब है आपका भी माइक का मसला है। ठीक है, तो फिर आप लोग अपने अपने माइक ठीक करवा लें, और मेरा ख्याल है फिर आप लोग आराम करें अभी, सही है। आप अपना वक्त ज़ाया ना करें और मेरा भी क्लास का वक्त ज़ाया ना करें। आप दोनों को एब्सेंट मार्क करूंगा मैं। किंजा आप अनम्यूट करें। किंजा हैं क्लास में? किंजा भी नहीं है क्लास में क्या? अनम्यूट करने को कहा है बेटा, यस थोड़ी लिखने को कहा है। किंजा माइक नहीं है आपके पास भी? समझ से बाहर है मेरे, आप लोग इतना टाइम जान भूल के वेस्ट करते हैं या क्या मसला है। अच्छा अब आप दो दो आई से आ गई हैं किंजा क्लास में, इसीलिए कि आपने माइक ऑन करना होगा मोबाइल से, है ना। अच्छा अब आप अनम्यूट कर लें माइक प्लीज, मैसेजेस कर करके अगर बता दिया मुझे। जी जी किंजा ट्रेड रिसीवेबल लिखा नजर आ रहा है। वालेकुम सलाम। ये ट्रेड रिसीवेबल लिखा नजर आ रहा है बेटा जी? वन लाइन स्टेटमेंट दें इसके बारे में, वन लाइन स्टेटमेंट। सर दिस इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द बिजनेस बाय द कस्टमर्स। ओके थैंक यू। अब मुझे बताएं व्हाई वी राइट इट इन द कैटेगरी ऑफ एसेट, कुछ लॉजिक बनती है इसके यहाँ लिखने की किंजा? सर इसलिए कि हमें इससे बेनिफिट, बिजनेस को इससे बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल हाँ। अच्छा कैसे हो सकता है किंजा? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल इज बेसिकली अ राइट टू कलेक्ट मनी, हमें पैसे मिलेंगे ना, तो इट मींस दिस राइट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन कैश इन नियर फ्यूचर, ऐसा ही है बेटा? जी सर। ये रिसीवेबल जिंदगी भर रिसीवेबल रहेगा क्या? नहीं। हाँ तो अच्छा एक बात किंजा, जब आप किसी कस्टमर को ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट सेल करोगी गुड्स, तो आप उसको क्या बोलोगी, पैसे कितने अरसे में दे देना? एक आइडिया मैं सुनना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में कोई है वक्त क्राइटेरिया?
क्या बोलोगी, एक साल बाद पैसे देना, तीन साल बाद, पांच साल बाद? नहीं, विदिन मेबी मंथ्स। अच्छा, यानी अच्छा प्रायोरिटी तो ये होगी यकीनन, आप कहोगी सर मैं तो बोलूंगी लाओ पैसे दो, ऐसा ही है जी सर। लेकिन अगर कस्टमर पुराना है, जानने वाला है और वो कह रहा है अभी पैसे नहीं है, तो हम उसको 10 days, 20 days, 30 days, और अगर हम बहुत ही ज्यादा हातिम ताई हैं तो इट इज माइट बी पॉसिबल कि हम उसको बोले आप विद इन 2 months आप पैसे दे दीजिएगा, राइट? जी। अच्छा, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास कस्टमर से आज पैसे लेने का राइट आया, ट्रेड रिसीवेबल, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इन कैश विद इन व्हाटएवर टाइम वी गिव टू द कस्टमर। तो अब 2 months अभी दिया ना, अभी अभी तो टाइम दिया 2 months का हमने, तो इसका मतलब है 2 months में ये प्रॉमिस कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर बिजनेस को कैश में कन्वर्ट होके पहुंचाएगा मेरा बेटा। जी सर। क्या पहुंचाएगा, क्या पहुंचाएगा? बेनिफिट। बेनिफिट, तो इसलिए पहले तो इसको कह दिया ये क्या है हमारा एसेट, और फिर कहा ये है हमारा करंट एसेट। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, हंसती मुस्कुराती रहिए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। चलिए जी, आई होप सब लोगों को ट्रेड रिसीवेबल क्लियर हो गया होगा, राइट? अच्छा, और ये भी समझ आ गया कि ये एसेट क्यों है और ये करंट एसेट क्यों है, सही है? ओके, मरियम हनीफ अनम्यूट कर लें, शाबाश। मरियम हनीफ अनम्यूट कर लें, शाबाश, जल्दी से। जी सर। बेटा पहले बताएं, ट्रेड रिसीवेबल क्लियर है ना? जी सर। अच्छा, तो ये नोट्स रिसीवेबल आपका आपका साइंस बैकग्राउंड है या कॉमर्स? सर कॉमर्स। कॉमर्स बैकग्राउंड, फिर तो आपको नोट्स रिसीवेबल का मतलब लास्ट भी पता है? सर नहीं पता। नहीं पता है, आप सोचें आपको याद आ जाएगा। सर मे बी कैश लेना। चलें मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, आप ट्रेड रिसीवेबल का मतलब बता सकती हैं एक बार आसान उर्दू में? सर कस्टमर से हमारा राइट होता है मनी रिसीव करना। अच्छा, तो बेटा ये राइट हमारे पास जो होता है कस्टमर से पैसे लेने का, क्या ये राइट रिटन फॉर्म में होता है? नो सर, वो प्रॉमिस करते हैं। Verbally? थोड़ा सा लाउड आप बोलेंगी? वर्बली बोलता है वो। एक्सीलेंट, ये वर्बल प्रॉमिस होता है। और अगर हम कस्टमर को कहें भाई हमें आपके कहे हुए वादे पर यकीन नहीं है, हम आपके कही हुई बात नहीं मानते या हम भरोसा नहीं कर सकते, तो हम लोग वो लिखेंगे। एक्सीलेंट, तो क्या हम लिखेंगे? लिखकर प्रॉमिस कौन करेगा फिर? कस्टमर। एक्सीलेंट, बस मरियम इतना ही पूछना था आपसे, जज़ाकअल्लाह, खुश रहिए। तो अब कस्टमर ने हमसे किया प्रॉमिस, पहले भी कस्टमर कर रहा था प्रॉमिस, क्यों भाई महक? अनम्यूट कर लो शाबाश जल्दी से। जी सर। पहले भी कस्टमर प्रॉमिस कर रहा था ना? जी। और अभी भी प्रॉमिस कर रहा है, तो डिफरेंस समझ आ गया? जी सर। नहीं, क्या समझ आया बताओ? नहीं सर, ट्रेड रिसीवेबल में तो वो मतलब हमें पैसे लेने हैं ना कस्टमर से, और नोट में भी ट्रेड रिसीवेबल में हमें पैसे लेने हैं। जी, ट्रेड रिसीवेबल में हमें पैसे लेने हैं और नोट रिसीवेबल इज अ ट्रेड रिसीवेबल इज अ प्रॉमिस इन व्हिच यू नॉट हैव अ रिटन और इन राइटिंग प्रॉमिस। राइट तो है बट रिटन फॉर्म में नहीं है। But when we receive a right in writing form,
हम लिखा हुआ वादा किसी से लें, दैट राइट इज कॉल्ड नोट्स रिसीवेबल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल. इज इट क्लियर? मैक, मैक आर यू देयर? जी सर. जिसे समझ आ गया. तो मेरा बेटा बिल नोट्स रिसीवेबल एंड बिल रिसीवेबल बोथ आर सेम थिंग, बट व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई वी राइट इट टू टाइम्स हियर? बिकॉज नोट रिसीवेबल इज अ अमेरिकन टर्म एंड बिल रिसीवेबल इज अ ब्रिटिश टर्म. बस सिर्फ जुबानों का फर्क है और कुछ नहीं, दोनों एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो अब बस फाइनल करता हूं इसको, वरना क्लास का टाइम एंड की तरफ जा रहा है. नोट रिसीवेबल में हमारे पास पैसे कलेक्ट करने का राइट है और ये राइट हमारे पास रिटन फॉर्म में है. ट्रेड रिसीवेबल में भी हमारे पास अमाउंट कलेक्ट करने का राइट है, बट ये वर्बल प्रॉमिस है. तो नोट रिसीवेबल में जो हमारे पास लिखा हुआ राइट है, इसके बदले में भी पैसे मिलेंगे और लिखे हुए वादे के बदले में भी पैसे मिलते हैं विद इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ्स में. तो ये रिटन प्रॉमिस भी कन्वर्ट हो जाएगा, बोलें किसमें? किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों? लिख के भेजिए शाबाश जल्दी से. ये लिखा हुआ प्रॉमिस भी बदल जाएगा किसमें? कैश में. ये लिखा हुआ वादा जिंदगी भर लिखा हुआ वादा नहीं रहेगा, 1, 2, 3, 4 महीने में कस्टमर आएगा और हमें पैसे दे देगा. तो ये राइट मेरे पास से चला जाएगा, मुझे कैश मिल जाएगा, मैं उस कैश को कारोबार में कर सकूंगा. इस्तेमाल, वो कैश मुझे पहुंचाएगा फायदा. देयरफोर नोट्स रिसीवेबल इज ऑल्सो एसेट ऑफ द बिजनेस एंड करंट एसेट ऑफ द बिजनेस. इज इट क्लियर टू ऑल? फर्क समझ आ गया? ट्रेड रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल का दोनों वादे हैं, एक जुबानी वादा एक लिखा हुआ वादा. मैं कब तो समझ आ गया ना बेटा? अच्छा, नोट रिसीवेबल के बाद और बिल रिसीवेबल अब समझाने की जरूरत नहीं है. चलो ठीक है. अच्छा, बस एक दो वर्ड आपको और समझा देते हैं. अब ये कमीशन रिसीवेबल और रेंट रिसीवेबल, ये दोनों एक साथ समझा रहा हूं, ठीक है? जरा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बस आखिरी के 2 मिनट और लूंगा आपसे, उसके बाद फिर क्लास ऑफ कर दूंगा, फिर आप अपना ब्रेक एंजॉय कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी अल्लाह के हुक्म से. प्यारे बच्चों, कमीशन रिसीवेबल एंड रेंट रिसीवेबल बोथ आर अवर एसेट्स एंड करंट एसेट. एंड व्हाई? बिकॉज जब हम किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दें बट उसने हमें हमारी सर्विसेज के बदले में पैसे ना दिए हो, तो हमारे पास उस शख्स से जैसे सर्विसेज क्या दी. अब सपोज कर लेते हैं ना, हम जनाब लोगों को बाहर से गाड़ियां मंगवा कर देते हैं, इंपोर्ट करते हैं उनके लिए, और इंपोर्ट करने के बाद उनसे कहते हैं भाई हम जितने की आप गाड़ी मंगवाएंगे उस पर 2% आपसे कमीशन लेंगे. तो हमने किसी के लिए बाहर से गाड़ी मंगवा ली, उसको डिलीवर कर दी, पेमेंट सब उसने की, हमने नहीं की, बस हमने उसको सिर्फ हेल्प आउट किया, ये हमारा काम था. अब जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो बताइए हमारे पास उस शख्स से कमीशन लेने का राइट आ गया या नहीं? राइट आ गया? आप अपने आप को स्टेट एजेंट बना लीजिए थोड़ी देर के लिए. आपने किसी का घर रेंट आउट किया, आपने किसी को पढ़ाया, तो आपके पास पढ़ाने के बाद ट्यूशन फी कलेक्ट करने का राइट आ गया. आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया, तो प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने के बाद जब 1 महीना टेनेंट ने वहां गुजार लिया, तो आपके पास रेंट कलेक्ट करने का, जल्दी से शाबाश, क्या आ गया? तो आई होप सबको क्लियर है. तो सर फिर डिफरेंस क्या है? ये भी रिसीवेबल, ये भी राइट और ये भी राइट. जी, बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल शो करता है मर्चेंडाइज को बेचने के बदले में जो राइट हमारे पास आया, सही है? जबकि
कमीशन रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ट्यूशन फी रिसीवेबल, रिपेयर इनकम रिसीवेबल, ये तमाम वर्ड स्पेसिफिक इनकम को शो कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के रिसीवेबल्स को शो कर रहे हैं। बट जब हम बिजनेस में क्या बेचते हैं, यस एग्जैक्टली सर्विस के बदले, बिल्कुल सही बोला सितारा आपने, जब मर्चेंडाइज बेचें और पैसे लेने का राइट हो वो ट्रेड रिसीवेबल है, और अगर वो राइट रिटन फॉर्म में हो तो वो नोट रिसीवेबल है। लेकिन अगर हमने किसी को सर्विसेज दी, मसलन मैंने कहा ट्यूशन पढ़ाई, हमने जनाब सैलून पार्लर में सर्विसेज दी और कस्टमर से फौरन पैसे नहीं लिए, कस्टमर बहुत पुराना है हमारा, उसने कहा मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पे कर दूंगा या मैं घर जाके चेक भिजवा दूंगा कितने पैसे देने हैं, तो इसका मतलब है हमने अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी लेकिन सामने वाले ने हमें पैसे नहीं दिए, तो हमारे पास पैसे लेने का राइट आ गया, उस राइट का नाम है रिसीवेबल, एंड दैट राइट कैन बी कमीशन रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, फी रिसीवेबल, ट्यूशन फी रिसीवेबल। अब रिसीवेबल अगर सबको क्लियर है तो बताओ ये रिसीवेबल भी जिंदगी भर रिसीवेबल रहेगा, यकीनन ये रिसीवेबल कन्वर्ट होगा कैश में, हमें पहुंचाएगा फायदा, इसलिए रिसीवेबल भी पहले हमारा एसेट और फिर एसेट में बोलो क्या है हमारा करंट एसेट। करंट एसेट समझ आता है क्यों? क्योंकि ये सारे रिसीवेबल्स दो दो चार चार पांच पांच साल तक हमारे पास नहीं रहेंगे, ये रिसीवेबल्स विद इन 1, 2, 3, 4, 5 मंथ्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, जल्दी से लिख के भेजें, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ्स कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, कैश को हम कर सकेंगे इस्तेमाल, वो पहुंचाएगा फायदा। देयरफॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिसीवेबल व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड इन अ ईयर आर कॉल्ड करंट एसेट्स। चलिए जी, सबको समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बोर हो गए आप लोग बहुत, माजरत आप लोगों को इतना पकाया। चलें इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।